इसकी फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वह एक्सटेंड आपका किया जाएगा या नहीं, यानी कि इसकी फॉर्म अप्लाई का जो लिंक है वह फिर से आपका एक्टिव होगा या नहीं, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 का फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे रीजन यह है कि आपका जो वेबसाइट है 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच जो है बिल्कुल स्लो था, यानी कि काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर काफी सारे स्टूडेंट जो है परेशान थे और काफी सारे स्टूडेंट का फॉर्म भी फिल नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म करेक्शन का जो मौका है वो आपको मिलेगा या नहीं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि फिर से जो है आपकी फॉर्म अप्लाई का लिंक एक्टिव होगा या नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, फॉर्म अप्लाई लिंक एक्टिव को लेकर काफी सारे स्टूडेंट का मान है कि फॉर्म अप्लाई का लिंक एक्टिव किया जाए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट इसकी फॉर्म जो है 27 से लेकर 30 के बीच में किया है वैसे कैंडिडेट का जो है फॉर्म फिल नहीं हो पाया है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि फॉर्म फिल कर दिए थे लेकिन उसका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसी को लेकर काफी सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि फिर से जो है इसकी फॉर्म अप्लाई के डेट जो है एक्सटेंड किया जाए। और इस तरह की घटना जो है सीजीएल का जो आपका भर्ती आया था उसमें हुआ था, जिस कारण से उसका डेट एक्सटेंड किया गया था। तो क्या इसका डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, तो आप सभी को बता दें इसकी फॉर्म अप्लाई का जो लिंक है वह फिर से आपका एक्टिव नहीं होने वाला है, यानी कि इसका डेट जो है एक्सटेंड अब आपका नहीं होगा। इसके पीछे रीजन यह है कि एसएससी अभी मिशन मोड के तहत आपका भर्ती कंडक्ट करा रहा है और जो भी इसका डेट फिक्स हो चुका है उसी डेट के अकॉर्डिंग सभी काम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका फिर से फॉर्म अप्लाई का लिंक एक्टिव नहीं होने वाला है। अगर आप सभी इसकी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो दूसरे एग्जाम की आप सभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यहां पे आप सभी देखेंगे एसएससी की तरफ से एक नोटिस भी आया था आज से कुछ दिन पहले, 11/11/2022 को यह नोटिस आया था, जिसमें बताया गया था कि नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन, यानी कि किसी भी तरह की आपको जो है एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और सेल्फ ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो दोस्तों यहां पे यह बताया गया था, इस नोटिफिकेशन को अगर आप सभी पढ़ेंगे तो इसमें यह बताया गया था कि 30/11/2022 के बाद किसी भी तरह आपको जो है लास्ट फॉर्म अप्लाई की जो डेट है उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और इसमें बताया गया था कि लास्ट डेट समाप्त होने के पहले जो है आप सभी इसकी फॉर्म फिल कर दे। तो इससे साफ पता चलता है कि अब जो है आपकी फॉर्म अप्लाई का डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है, यानी कि फिर से आपकी फॉर्म अप्लाई का लिंक जो है अब आपका एक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे बात करें फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी जो है कोई भी बदलाव आपका नहीं करेगा। ऑलरेडी जो है इस भर्ती के अंतर्गत लगभग 1 करोड़, यहां पे आप सभी को बता दें लगभग 1 करोड़ कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म इस साल फिल किए हैं, 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। तो काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए यहां पे फॉर्म अप्लाई का जो लिंक है वो एक्टिव आपका नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे फॉर्म जो करेक्शन का विंडो है वो भी आपका ओपन नहीं होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर दिए हैं वैसे कैंडिडेट अपनी तैयारी जारी रखें। और आप सभी को बता दें एसएससी कांस्टेबल जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट